हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो व्लॉग में काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आप लोगों को देखना है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ मेरा विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर कर देती हूँ। मैं अपना स्किन केयर किस तरह से करती हूँ और विंटर में कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो एज से कम दिखने का राज है, मतलब आप ही लोग बोलते हो कि बहुत एज से कम दिखते हो, तो वही मैं आज राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे हंसी इसीलिए आ रही है कि आप लोग बोलते हो तब मुझे हंसी आती है, आपके कमेंट पढ़ती हूँ तभी मुझे हंसी आती है, बट आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि दी आपके एज से कम दिखते हो। तो चलिए फिर मैं आज वही राज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने एज से कम कैसे दिखती हूँ और मैं अपने स्किन के लिए क्या क्या करती हूँ। ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, फिर भी मैं जो कुछ भी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। जो भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया होता है या लिपस्टिक अप्लाई की होती है, लाइनर अप्लाई किया होता है, तो वह सब मैं रिमूव करती हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये बजाज का आलमंड ऑयल। तो मैं थोड़े से ड्रॉप अप लेती हूँ इसके और बस अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ इसे। और फिंगर की हेल्प से ना थोड़ा सा इस तरह से मसाज कर लेती हूँ ताकि जो भी मैंने मेकअप किया होता है फेस पे, लिप्स पे, या मैंने अपने आईज पे वाटरप्रूफ भी मेकअप किया होता है, वो सारा इससे निकल जाता है। और वैसे भी आपकी स्किन ना इसमें ड्राई होती है विंटर में, तो इसी वजह से आपको कोई ऑयल बेस्ड जो रिमूवर है वो यूज करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, रिमूवर यूज नहीं करती हूँ, रिमूवर के जगह पे मैं ये वाला ऑयल यूज करती हूँ। और वैसे भी आलमंड जो है वो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। आलमंड आपके स्किन को ऑटोमेटिकली ग्लोइंग बना देता है, तो इसी वजह से मैं ये आलमंड वाला ऑयल यूज करती हूँ। आप वो भी यूज कर सकते हो प्योर आलमंड ऑयल, बट मैं यही यूज करती हूँ बजाज का आलमंड ऑयल। मेकअप रिमूव हो गया है, तो मेकअप रिमूव हो जाने के बाद तो इसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, इसके बाद मैं तुरंत फेस वॉश नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, एक कॉटन वाइप लूंगी और उससे मैं अच्छे से ये जो ऑयल है उसे वाइप कर लूंगी। आप लोग देख सकते हो सारा इसमें आ गया है, मतलब मेरे आई मेकअप से लेके लिपस्टिक तक सारा इसमें आ गया है। उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश। और मैंने आपके साथ काफी बार शेयर किया है कि ये वाला फेस वॉश मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मतलब ये ना आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता है। बाकी के जो चारकोल फेस वॉश आते हैं वो आपकी स्किन को पूरा ड्राई कर देते हैं, बट ये आप विंटर में भी यूज कर सकते हो, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं बनाता है। इस फेस वॉश से फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन ग्लोइंग दिखती है, आप देख ही लोगे। थोड़ा सा इसे अपने हाथों पर लूंगी और अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। और बस आपको फेस वॉश कर लेना है इसके बाद। गाइज, फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं लग रही है। आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करेगा, मतलब ये जो फेस वॉश है आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करेगा, और उल्टा आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग होती है इससे, और आप देख सकते हो। फेस वॉश करने के बाद मैं यूज करती हूँ टोनर, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। तो उससे मैं अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ। बस इससे आपकी स्किन टोन हो जाएगी और पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है लिप्स की, तो हमें लिप्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम लिक्विड लिपस्टिक वगैरह यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो इसी वजह से आपके जो लिप्स है विंटर में काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसी वजह से लिप्स के ऊपर की जो डेड स्किन है उसे निकालने के लिए हमें लिप स्क्रब यूज करना ही चाहिए, तो इसी के लिए मैं यूज करती हूँ यहाँ पर गुड वाइब्स का ये लेमन वाला लिप स्क्रब, और ये काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। मतलब ये वाला लिप स्क्रब ना आपके लिप्स की जो पिगमेंटेशन है उसे भी हटाता है। इसे मैं थोड़ा सा अपने फिंगर पे लूंगी और अच्छे से रब करूंगी अपने लिप्स पे। तो इस तरह से आपको थोड़ी देर इसे रब करना है अपने लिप्स पे, इससे आपके लिप्स की डेड स्किन निकल जाएंगे और जो पिगमेंटेशन है वो भी काफी हद तक हट जाएगा। तो ये जो स्टेप है, मतलब लिप स्क्रबिंग एंड लिप्स मॉइस्चराइजिंग, ये भी मत भूलिएगा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। थोड़ी देर स्क्रब करने के बाद मैं इसे वाइप कर लूंगी, कभी मुंह में चला जाता है तो बहुत मीठा मीठा लगता है। तो उसके बाद मैं यूज करती हूँ लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यही गुड वाइब्स का लेमन वाला लिप बाम, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है और
इसे ही मैं यूज करती हूँ। इसमें बिल्कुल कोई भी कलर वगैरह ऐड नहीं है और इसमें लेमन है तो इसी वजह से आपके पिगमेंटेशन में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो इसी वजह से मैंने जो भी लिया है प्रोडक्ट वो लेमन वाले ही लिए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो इसी वजह से लेमन ना काफी ज्यादा अच्छा होता है आपके स्किन की ब्लैकनेस हटाने में। तो इसी वजह से मैंने ये वाला लिया है और मुझे तो ये पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं कोई भी फेस पे मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ, तो मेरा जो फेवरेट है वो है ये मॉइस्चराइजर। तो ये है ग्लिसरीन। एक्चुअली मैं ग्लिसरीन अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ विंटर के टाइम पे। तो मैं ग्लिसरीन थोड़े से बूंद आपको ग्लिसरीन के ले लेने हैं, इसके बाद आपको ग्लिसरीन अप्लाई करना है आपके फेस पे। बिल्कुल थोड़ा सा आपको अप्लाई करना है, ज्यादा अप्लाई करोगे बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा, तो इसी वजह से आपको बिल्कुल थोड़ा सा एक बूंद ही आपको अपने पूरे फेस के लिए काफी रहेगा। अगर आप ग्लिसरीन यूज करते हो तो ग्लिसरीन से आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है और आपकी स्किन को लाइट करने में भी ये हेल्प करता है। तो इसी वजह से मुझे ग्लिसरीन काफी ज्यादा पसंद है, मैं विंटर में ग्लिसरीन ही यूज करती हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। और जो भी बचा हुआ होता है वो मैं हैंड्स पे अप्लाई कर लेती हूँ इस तरह से। बट मैं अपने बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए ये वाला यूज करती हूँ, वैसलीन का डीप रिस्टोर विथ प्योर ओट एक्सट्रैक्ट, ये वाला मॉइस्चराइजर। तो ये मैं यूज कर लेती हूँ अपने हैंड्स एंड लेग्स के लिए। तो आपके लेग्स एंड हैंड्स को भी मॉइस्चराइज करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है विंटर्स में, तो इसी वजह से इसको भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रात को। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके अपने आईब्रोज पे लगा लेती हूँ, मतलब थोड़ी देर मसाज करती हूँ आईब्रोज पे, क्योंकि ना इससे आपके आईब्रोज ठीक होने में हेल्प होती है। आप लोगों को पता ही है मेरी जो आईब्रोज है वो काफी ज्यादा मतलब थीन है, तो इसी वजह से मैं कैस्टर ऑयल यूज कर रही हूँ। अभी कुछ दिन हो गए तो इसका रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा, कुछ दिनों के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। लैशेस के लिए भी यूज कर सकते हो, लैशेस भी इससे अच्छे से ग्रो करती है, तो थोड़ा सा मैं लैशेस पे भी लगा लेती हूँ इस तरह से। बट लैशेस पे मुझे जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इस पे ही जरूरत है आईब्रोज पे, तो मैं आईब्रोज पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, थोड़ा सा घर में ही जो प्रोडक्ट है उससे ही मैं कर लेती हूँ। और आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन विंटर का। यहाँ पर मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किया है, अगर आपको उसे परचेस करना है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हो। सो गाइज आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।